सो भाइयों देख सकते हो ये नदी है जो कि पूरी फ्रीज हो चुकी है। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली। ओ भाइयों यार मतलब मुझे लगा कि यहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं वो आर्मी को हेट करते हैं। मतलब अभी आप लोग देख सकते हो आगे जाम लगा हुआ है, वो देखो गाड़ियां आगे और सड़कें देखो कैसे, अब देखना गाड़ी कैसे फिसलेगी, वो देखो कभी गाड़ी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। तो आप देख सकते हो ये एक छोटा सा चेक पॉइंट है। गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू? सो भाइयों यार आज मेरा है यहाँ पर चौथा दिन और वीडियो बहुत लेट आ रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्लो है। यानी कि जो मैंने पहला वीडियो वालेकुम अस्सलाम, ये माही आ गई, ये देखो। सो भाइयों माही आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, नमस्कार। सो बहुत अच्छे क्यूट क्यूट बच्चे जा रहे हैं, राबिया इधर आ। सो भाइयों ये क्यूट से बच्चे हैं, अभी दरगाह से आए आप लोग, सो देख लो भाइयों दरगाह से आए हैं बच्चे और कितने क्यूट हैं। आपका नाम बोलो सभी का। इसका नाम राबिया है, राबिया नाम सफीना, सफीना ताबिया, ताबिया। मेरा नाम हानिया, हानिया। तो ये देख लो क्यूट से बच्चे। माही किधर चली थी? माही वो आ गई, अजय माही आ गया, इधर आ इधर आ। माही तो मेरी लाडली है पहले दिन से ही, तो माही हाय बोल दे के हाय। तो माही शर्मा रही है, ले चल मेरे पंजा दे, जा पंजा दे, सभी दो पंजा। सो बात बीच में ही रह गई थी, वसीम भाई की गुड़िया और बच्चे दरगाह गए थे तो वो आ गए थे, तो जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो वो सभी आ जाते हैं मेरे पास। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही यार डाउन है। अब मेरा जो पहला वीडियो आया था वो मैंने रात को लगा के छोड़ दिया था, और जब मैं सुबह उठा तो वो 70-80% ही मतलब अपलोडिंग हुई थी वीडियो। सो यह समस्या है यहाँ पर, इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि यहाँ पर 4G चलता है, लेकिन 4G नाम का ही 4G है, उसकी स्पीड 4G वाली नहीं है। तो चलते हैं, आपको पता है अपनी फेमस जगह है टंगमर्ग, आज हम लोग फिर से गुलमर्ग जाएंगे। गुलमर्ग यहाँ से 15-20 किलोमीटर का रास्ता है, यानी कि आधा घंटा लगता है आपको अगर जाम ना मिले तो, अगर जाम मिल जाए तो एक घंटा लग जाता है। तो चलते हैं, ये वही रास्ता है जहाँ पर डेली हम लोग जाते हैं टंगमर्ग के रास्ते। सो चलते हैं। सो आज इधर एक हफ्ते में 2 दिन शायद लॉकडाउन रहता है, इसकी वजह से आज लगभग शॉप्स क्लोज हैं। तो एक हफ्ते में शायद 2 दिन यहाँ लॉकडाउन रहता है, इसकी वजह से शायद आज कुछ शॉप्स क्लोज है, लेकिन टूरिस्ट तो फिर भी आ रहे हैं। तो चलिए सलीम भाई को ढूंढा जाए। वो बैठा अपना वसीम, सलीम भाई ये बैठा अपना सलीम। सो भाइयों सामने का व्यू कितना औसम आ रहा है, देख सकते हो सामने का व्यू। ये बैठा हमारे सलीम भैया, सलीम भैया इधर है। ए क्या हो अभी सलीम भाई बताएंगे कहाँ चलना है, आज क्या प्रोग्राम है। ये है चाचू, हाँ सलीम भाई बताएंगे, सलीम भाई आज कहाँ चल रहे हैं हम लोग। अभी जाएंगे, नहीं किया तो जाएंगे। आज का ये दिन मेरा खराब करने वाला है, लेकिन मैं इसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा।
आज मैं कहीं ना कहीं भी दुआ है आज दिन भर तुम दोनों दर बदर हो जाओ। हम जाएंगे ऐसी जगह, ये याद रखेगा शाम को वीडियो, हम जाएंगे बराबर किधर, हम जाएंगे इधर क्योशियार वाला दूधपत्री नहीं जाएंगे, दूधपत्री जाओ। तो भाइयों आज हम दूधपत्री जाएंगे सलीम को लेकर, तो अभी सलीम को बोलता हूँ गाड़ी स्टार्ट की जाए। सो फैजान भाई, इस गांव का नाम क्या है? इसका नाम है परसपुरा। परसपुरा जी, परसपुरा तरसपुरा परसपुरा परसपुरा परसपुरा। तो मेरे इस लेफ्ट साइड में एक गांव है, कोशिश करेंगे गांव में जाके रिकॉर्ड करने की। सो काफ़ी अच्छी जगह है यार, मतलब मज़ा आता है यहाँ घूमने का, और मैंने इनको बोला थोड़ा वॉक करके चलते हैं, थोड़ा बॉडी भी गर्म हो जाएगी। और चलिए सामने का नज़ारा भी दिखाता हूँ आपको, और 15 मिनट का वॉक है यहाँ से, 10 या 15 मिनट का, तब तक बॉडी भी गर्म हो जाएगी। हमने सोचा कि चलो वॉक करके ही जाते हैं। सो भाइयों ये लिखा है वे टू वाटर ट्रीटमेंट WSS खैरीपोरा। सो हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं। हाय कैसे हो? ये गांव है कुछ। ओह हाय कैसे हो? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? जीशान। जीशान कहाँ से आ रहे हो, स्कूल से? नहीं हाँ, घर से। घर से आ रहे हो? कितनी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास में? यस। और क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी, वाह। सो भाई एक बच्चा मिला है मेरे को, क्या नाम है आपका? जीशान। जीशान, तो जब जीशान से मैंने पूछा कि जीशान कैसे, जीशान ने मेरे से बात की है इस हाई स्कूल में, फोर्थ क्लास में, तो जीशान फोर्थ क्लास में है। जीशान को जब मैंने पूछा, आपने सबने सुना, तो डू यू लाइक आर्मी? यस। ओह ग्रेट। सो यार बहुत अच्छा लगा यार बंदा, मतलब मेरा तो मतलब जो मेरी माइंड की साइकोलॉजी थी वो दूर हो गई यार। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू। ओ भाइयो यार, मतलब मुझे लगा कि यहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं वो आर्मी को हेट करते हैं, मतलब वाह यार, ओ माय गॉड मैन, इसका मतलब है यार जो अपने को मीडिया में बताते हैं मीडिया, ये लोग ऐसे नहीं है यार, कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं यार। ये मतलब ये दूसरा लड़का मुझे मिला है जिसने ये बोला है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। ओ मैन रियली यार, सच्ची में यार अपनी मीडिया बहुत गलत बता रही है इन लोगों के बारे में। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं यार, मतलब ठीक है कुछ लोग हैं लेकिन ऐसा नहीं है ना, सब बहुत अच्छे लोग हैं यार। मतलब मेरे को 2 बच्चे मिले हैं यार स्टूडेंट, एक 7वीं क्लास में था और एक ये था, आप ही आपने देखा, मतलब बोला आर्मी में जाना चाहता हूँ मैं, क्या बात है यार। खैर आई डोंट नो इस गांव का नाम क्या है, इस गांव का नाम क्या है? माहिन। माहिन क्या? माहिन। माहिन। सो भाई सामने वाले कैमरे से दिखाता हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में एक गाँव है, और क्या बनता है यहाँ पर जी? रोटी। रोटी रोटी तंदूरी, वो तंदूरी रोटी है। वाह ग्रेट, कैसे हो? क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे इसमें इधर क्या बनता है, इधर क्या चाय बनती है? नहीं चाय नहीं, चाय नहीं है। अच्छा सो मैं तो जब से आया हूँ यार ना, मतलब मेरे को ये गांव एक्सप्लोर करना अच्छा लग रहा है। मैं आपको सही बताऊँ ना, मैं गांव गुलमर्ग में सिर्फ एक दिन ही गया था, उसके बाद मैं लगभग ये मैं देखना चाहता हूँ ये लोग इनकी लाइफस्टाइल कैसा है और कैसे रहते हैं ये लोग। तो वसीम भाई के घर में मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता हूँ क्योंकि इनके रिलीजन में किसी लेडीज़ को वीडियो में लाना अलाउड नहीं है, तो इस बात का मुझे खास ख्याल रखना पड़ता है जब भी कोई लेडीज़ आती है, तो मैं वीडियो का कैमरा है जो नीचे कर लेता हूँ और मैं नहीं रिकॉर्ड करता। सो भाइयों ये देख लो एक गाड़ी है, पूरी बर्फ के साथ पूरी धस चुकी है, आई डोंट नो ये कब से खड़ी है, पूरा बर्फ में धस चुकी है। सो इन लोगों की इस मंथ में लाइफ काफी टफ हो जाती है। सो ब्रिज का जो है अस्तान, अस्तान ब्रिज ना थे थी। सो देख सकते हो आप लोग। हाय कैसे हो, क्या नाम है आपका? एयान। सब जगह में क्या नाम है आपका? एयान क्या करते हो आप?
पढ़ाई करते हो? yes. कौन सी क्लास में हो? सेकंड क्लास में हो। क्या बनना चाहते हो बड़ा होगे? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हो? वाह अच्छा है। सो भाइयों देख सकते हो ये नदी है जो कि पूरी फ्रीज हो चुकी है, पूरी नदी जम चुकी है और यहाँ से नज़ारा देखो कितना औसम आ रहा है। धूप काफ़ी अच्छी है लेकिन ये बर्फ़ नहीं पिघल रही है धूप की वजह से। सो भाइयों देख सकते हो वो सामने आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रिज के नीचे जो नदी है वो सारी फ्रीज हो चुकी है देख लो आप लोग। और अभी वो जो ब्रिज है दिखाई दे रहा जो आपको वो इस वक्त बर्फ़ के ऊपर है, मतलब पूरी फ्रीज हो चुकी है ये नदी। इधर भी आप नदी देख लो पूरी फ्रीज हो गई है। सो आप लोग देख सकते हो और ये बहुत ही रिस्की है, स्लिपिंग करता है यहाँ से तो मुझे केयरफुली जाना होगा। वो रहा ब्रिज, आप लोग देख सकते हो सारी की सारा का सारा नाला जम चुका है। सो ये रहा वो पुल। आज धूप अच्छी है, अभी थोड़ा सर्दी कम फील हो रही है। ये जो पानी आ रहा है ये ऊपर पहाड़ों से रिस कर आ रहा है, बाकी सारी जो नाला है वो फ्रीज हो चुका है आप लोग देख सकते हो। ये शायद एक टेंपल है ना। तो ये एक मंदिर है, देखते हैं इसको चल के मंदिर है या कुछ और है। और पूरा का पूरा ये नाला है देख लो जिस ब्रिज पर हम लोग खड़े हैं, ये एक ब्रिज है और पूरी की पूरी नाला देख लो फ्रीज हो चुका है गाइज। और इस साइड से हम लोग आए थे, इस साइड से, तो चलते हैं आगे देखते हैं क्या है। सो भाइयों ये मस्जिद है, मस्जिद है ना ये मस्जिद है। तो हाँ मस्जिद शरीफ है ये। तो फैजान मैं इसके अंदर जा सकता हूँ? मैं जा सकता हूँ अंदर? इसको वो ताला लगा है। सो मुझे लगा था ये टेंपल है लेकिन फैजान ने बताया कि ये मस्जिद है। मैं फैजान से पूछता हूँ कि मैं जा सकता, फैजान मस्जिद के अंदर मैं जा सकता हूँ? नहीं, नहीं जा सकता नहीं। तो भाई फैजान बोल रहा है कि मस्जिद के अंदर मैं नहीं जा सकता शायद। चलो देखते हैं और आगे क्या है। फैजान इसके आगे क्या है? इसके आगे हमको धरंग वैली। धरंग वैली या वापिस चले? वापिस जाएगी, देखते हैं थोड़ा आगे चलते हैं। सो देखते हैं आगे और क्या है। आगे और धरंगी है ना यहाँ से। तुझे मैं एक काम करूँगा। हाँ सो ये देखते हैं क्या है इनसे बात करके। सो ये इधर घर है यार, मतलब ये जो घर है ना आप सोचो कि कैसे ये लोग कैसे रहते होंगे, क्योंकि देखो ऊपर इनके बर्फ की चोटी है। सपोज दैट अगर ऊपर से बर्फ गिरती है तो यहाँ क्या हालात होते होंगे, आई डोंट नो। सो बच्चे हैं अंदर, देखते हैं ये घर किधर, क्या है इधर देखना। ऐसे लग रहा है ना स्टेप बाय स्टेप है सब कुछ, ऐसे अपने को देखने को ये सब कुछ सुंदर लग रहा है लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा एडवेंचर है यार। मतलब रियली आई हैव नो वर्ड, मतलब कैसे रहते हैं यार ये लोग, मतलब इनको डर तो नहीं है यार। एक बात है पहाड़ के ऊपर अगर बर्फ की चोटी, इनके सर के ऊपर देखो बर्फ की चोटी है। और वाह यार वहाँ चलते हैं देखते हैं वहाँ क्या है। मेरा मन तो कर रहा है कि कोई हमें बोले कि आप आ जाओ अंदर, या मतलब थोड़ा बहुत इनके घर का टूर भी हो जाता कि ये लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। और कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर तरीके
मैं आपको फोटो खींचूंगा यहाँ पर ना। हाँ इधर से तो मोबाइल। हाँ ये देख लो, एक नदी है जो कि पहाड़ों को इनको चीरते हुए ऊपर से जो पहाड़ों की बर्फ है वो उसमें आ रही है। तो देख सकते हो आप लोग, ये पता नहीं क्या है, ये किधर को जाता है ये रास्ता। सो भाइयों, हम चलते चलते धरंग की तरफ आ गए हैं और ये दो बच्चे मिले हैं, इसका नाम दानिश है और इसका नाम रिजवान। हाँ। इसका नाम रिजवान है। तो रिजवान बोल रहा है, रिजवान बोल रहा है कि आप हमारे घर चलो। मैंने कहा आपका घर दूर है तो चलते हैं, देखते हैं। अभी हम लोग बिल्कुल धरंग के नज़दीक आ चुके हैं, आपने जो पहले वाला वीडियो देखा होगा। और भी लोग हैं बच्चे, और काफ़ी सारे बच्चे मुझे देखकर खुश हो रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं इनके घर में चलकर। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं इनकी फैमिली गलत ना समझ ले, इसलिए थोड़ा मुझे हिचकिचाहट हो रही है इन लोगों के घर में जाने से। चलो देखते हैं। सो देख लो भाइयों, जैसे हमारे खिलौने अलग होते हैं, कश्मीरी बच्चे देख लो भाई ऐसे खेलते हैं, यही इनका मनोरंजन है। ये इसका किचन है सर, यहाँ ये खाना बनाते हैं। सो भाई देख सकते हो आप लोग, ये इनका किचन है। लाइक ये यहाँ पर बैठकर ब्रेकफास्ट वगैरह चाय वगैरह। वालेकुम अस्सलाम।